हमारे सामने बैठे हैं बीजेपी के प्रेमचंद्र झा जी। झा जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। एक दो दिन से सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, काफी सारे जगहों पे आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन प्रदीप सरकार के साथ, उसके बारे में आप क्या कुछ बोलना चाहते हैं, आपका क्या राय है? देखिए, ये चीज जो है ना, हम भी ये देखा है आज भेंट इसको। एक्चुअली हम तो व्यवसायी हैं, आप पूरा शहर जानता है, हमारा एक छोटा मोटा व्यवसाय भी है, व्यवसाय करते हैं। 2015-16 में हमने रेलवे साइडिंग के लिए दो आदमी और तीन आदमी मिलकर के हम लोगों ने एक अप्लाई किया था रेलवे साइडिंग का, जो अलॉटमेंट होने के बाद में जो वहां रेलवे साइडिंग निमपुरा रेलवे साइडिंग जिसमें गुड्स ट्रेन से माल लोड अनलोड होता है, उसका हैंडलिंग के हिसाब से हम वो अप्लाई किए थे। हमको हैंडलिंग एजेंट वहां का काम मिले, तो जिसको रेलवे के साथ से हमको काम करने का मौका भी दिया गया। उसके बाद टीएमसी के लोगों ने झमेला शुरू कर दिया, वहां रेलवे लेबर यूनियन जो निमपुरा में है वो लोगों के साथ वो लोग लेकर के खड़गपुर म्युनिसिपैलिटी में आया और चेयरमैन के साथ बैठाया। तो चेयरमैन का बोलना था उस समय जो हम भी करोड़ रुपया इन्वेस्ट करेंगे, हमको आप 30% 20% पार्टनरशिप दीजिए। तो ये बात सुनकर के हम स्तब्ध रह गए और हमने उनको कहा, देखिए हम तो आपके साथ काम में नहीं जा सकते, और कोई भी हम आप टीएमसी के हो, हम बीजेपी के हैं, और हमारा आपका व्यवसाय रिलेशन नहीं हो सकता, तो इसीलिए हम आपके साथ काम में नहीं जा सकते, क्योंकि और आप लोग जबरदस्ती कारण हम व्यवसाय करेंगे, वहां शांतिपूर्ण ढंग से व्यवसाय होना चाहिए, हमेशा रोज रोज आपका लेबर यूनियन से झमेला होगा, आप लोगों से झमेला होगा, इसके कारण हम अब इस काम से क्विट कर रहे हैं, इस काम में और नहीं रहेंगे। और उसी दिन हमने कुछ दिन पहले मीमांसा होकर सारा चीज हुआ, होने के बाद हम वो काम ऑलरेडी छोड़ चुके हैं। तो यही था जो वो लोग जो सिंडिकेट राज जो चलता है उसका एक नमूना हम भी झेला है, और इसीलिए हम दुखी होकर के छोड़ करके आ गया, काम उसमें गया ही नहीं, आज तक उस साइडिंग में हम घूम करके नहीं गया। आपका बोलना है ये कोई पॉलिटिकल मीटिंग नहीं हो रहा था, क्या राय है? बिल्कुल बिल्कुल कोई पॉलिटिकल मीटिंग नहीं था, वो साइडिंग को लेकर के मीटिंग था, और एक तो प्रेशर बनाया गया था जो हमको इसमें शेयर में रखिए, हम ये करेंगे, इसलिए हम और उसको उसके साथ रहना ही मुनासिब नहीं समझ करके हम छोड़ के निकल गए। जब आप बता रहे हैं ये 3-4 साल पुराना वीडियो है, अभी वीडियो को वायरल करने का क्या अभी बस चुनाव का माहौल है, चुनावी माहौल में उनके कौन वायरल किए हैं नहीं किए हैं वो तो एक्चुअली म्युनिसिपैलिटी के अंदर में ये बात हुआ था, कौन इसका रिकॉर्ड किया था ये तो वही लोग बताएंगे जो वायरल किए हैं। क्या मकसद हो सकता है वायरल? राजनीतिक मकसद है, जो कि सब नुकसान किया जाए, प्रेमचंद झा का नुकसान किया जाए, ये सब दिखा के। ठीक, थैंक यू।